Good afternoon, class. Good afternoon, sir. My name is Sunil Kumar, from computer science lecturer, and I am from village Patta in Hamirpur district. About my qualification, I have completed my MFT in information technology from Punjab Technical University at Jalandhar. I have started my career in education. I have been in teaching profession from last 8 years. And I have joined this school on 28th of April 2021. Dear students, आज हम Google की एक बहुत ही जबरदस्त फीचर यानी कि Google Cloud Computing के बारे में सीखने जा रहे हैं. And I hope आप उसको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सीखने की कोशिश भी करेंगे. ठीक है? Yes, sir. तो इससे पहले कि हम Cloud Computing की तरफ बढ़ें, Google Drive की Cloud Computing की तरफ जाएं, उससे पहले गूगल के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या है गूगल? गूगल एक सर्च इंजन है. गूगल जो है एक सर्च इंजन प्रोग्राम है जिसको किसने बनाया है? और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कहाँ पे है ये सिचुएटेड है? कैलिफोर्निया, यूएसए. वेरी कैलिफोर्निया, यूएसए में है. ठीक है, यस. तो Google Drive Cloud Computing की तरफ हम बढ़े. सबसे पहले अब एक टर्म आ रही है बीच में, क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग Google की एक ऐसी एडवांस फीचर है जिसके जरिए हम किसी दूर रखे हुए सर्वर कंप्यूटर के अंदर की जो स्टोरेज है या उसके जो सॉफ्टवेयर है उनको यूज कर सकते हैं. और उसके लिए हमें क्या चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन. ठीक है, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए हम क्या कर सकते हैं? उस दूर रखे सर्वर के अंदर की जो स्टोरेज है या उसके अंदर जो भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, अब एक एक करके इसकी फीचर्स की तरफ चलते हैं. ठीक है, एक मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया उसके लिए, तो एक एक करके हम उन फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब इसके फायदे क्या कह रहे हैं? हमारे पास गूगल जो ड्राइव की जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, सबसे पहला जो बेनिफिट है इसका, गूगल ड्राइव हमें 15 GB का फ्री स्पेस प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हम अपना डाटा, अपनी ऑडियो फाइल्स, अपनी वीडियो फाइल, अपने डॉक्यूमेंट, अपने सॉफ्टवेयर किसी भी तरह के, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या गेमिंग सॉफ्टवेयर है, ये सारे के सारे हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, इसके अंदर अपलोड करके उनको स्टोर रख सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा देखो, और दुनिया के किसी भी कोने से हम इंटरनेट के जरिए इनको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक नहीं है? यस सर. अब देखो, अगर कंप्यूटर में रखते हैं ना, मान लो कि कंप्यूटर खराब हो जाता है, उसकी हार्ड डिस्क जो है वो क्रैश हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा? हमारा सारा का सारा डाटा क्या होगा? लॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना. Yes. अगर हमने गूगल ड्राइव के अंदर रखे होंगे, चाहे वो ऑडियो फाइल्स है, चाहे वो वीडियो फाइल्स है, कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट आपके कोई भी हो सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, उनको आप स्कैन करके इसके अंदर रख सकते हो, आपके कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, है ना, उनको भी आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो, है ना, और जब चाह उनको यूज कर लिया. अब हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, है ना. लेकिन प्रैक्टिकल की तरफ जाने से पहले हम इसकी एक और दो और तीन फीचर उनको भी देख लेते हैं पहले. ठीक है, अब सेकंड फीचर है गूगल ड्राइव हमें गूगल डॉक, गूगल शीट और गूगल स्लाइड ऑनलाइन एप्स भी प्रोवाइड करवाती है, जो लगभग एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल की तरह ही बिल्कुल सेम है. ठीक है, yes. ये तो आपने प्रोग्राम सारे के सारे सीखे हुए, 9 से सीख रहे हो आप लोग, है ना. yes, sir. इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो सेम गूगल डॉक की तरह ही है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट गूगल, ये जो बिल्कुल गूगल स्लाइड की तरह है, और जो एमएस एक्सेल है वो गूगल शीट की तरह ही है, सारे बिल्कुल सेम है. जो डॉक्यूमेंट्स हम इनके अंदर क्रिएट कर सकते हैं उनको हम अपलोड कर सकते हैं, और गूगल के अंदर ही सारे प्रोग्राम उनको सेम एज ओपन करता है, उसके अंदर हम सेम वैसे ही एडिटिंग भी कर सकते हैं. तो है ना ये बहुत जबरदस्त फीचर. यस सर. अब देखते हैं इसके अलावा और क्या फीचर. मोर ओवर, इसके अतिरिक्त अगर हमें टाइपिंग नहीं आती है तो किसी भी भाषा में हम बोल कर इसके अंदर टाइपिंग भी कर सकते हैं, और ये टाइपिंग की फैसिलिटी है वो गूगल डॉक के अंदर रहेगी, गूगल स्लाइड में नहीं है, गूगल शीट के अंदर भी नहीं है. ये क्या फैसिलिटी कहाँ पे मिलेगी हमें? टाइपिंग वॉइस टाइपिंग की फैसिलिटी हमें कहाँ पे मिलेगी? गूगल डॉक के अंदर में ये फैसिलिटी मिलेगी. ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठकर अलग अलग जगह से एक ही